Hello friends, welcome back to my channel. In the last video, we have discussed about conjunction and its type. Today we are going to discuss about coordinating conjunctions. As we have discussed in the last video that coordinating conjunctions are those which are used to join two or more words, phrases or independent clause. So in this video, we are going to see that what are those coordinating conjunctions which can be used in a sentences to make sentence more clear. So here are seven coordinating conjunctions. Those are for, and, nor, but, or, yet, so. Clear? So out of these, but, or, and, these are flexible coordinating conjunctions. On the other hand, nor and so, these are limited coordinating conjunctions. तो अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि ये फ्लेक्सिबल है और ये लिमिटेड है, तो क्यों है, कैसे है, चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर की. फॉर कब यूज होगा? फॉर यूज होगा टू गिव रीजन. क्लियर? जब भी हमें सेंटेंस में किसी चीज का रीजन देना पड़ेगा किसी चीज के लिए, तो हम फॉर का यूज करेंगे. मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि अगर हम रीजन दे रहे हैं, यानी कि हम उसको बता रहे हैं कि वी मीन बिकॉज इट हैपन इन दैट वे, बिकॉज इट हैपन इन दैट वे. क्लियर? अब इसको और क्लियर समझने के लिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस हम देख लेते हैं. पहला सेंटेंस है, आई बिलीव यू फॉर यू हैव नेवर लाइक टू मी बिफोर. ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ कि तुमने मुझसे पहले कभी झूठ नहीं बोला. ठीक है, अभी हमने अभी फॉर का क्या पढ़ा था कि फॉर इज यूज टू गिव अ रीजन फॉर समथिंग. तो इस सेंटेंस में रीजन दिया जा रहा है कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ क्योंकि तुमने आज से पहले मुझसे कभी झूठ नहीं बोला. क्लियर? तो इस सेंटेंस में हमने कौन सा कंजंक्शन लगाया? फॉर. अब यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस क्या हो गए, आई बिलीव यू, ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस क्या हो गया, यू हैव नेवर लाइड टू मी बिफोर. अब इस सेंटेंस में हमने कंजंक्शन लगाया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया फॉर, और ये सेंटेंस क्या बन गया, आई बिलीव यू फॉर यू हैव नेवर लाइड टू मी बिफोर. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही डिड नॉट कम टू द पार्टी फॉर ही फेल्ट सिक. वो पार्टी में नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार हो गया था. तो यहाँ पे हमने फॉर लगाया क्योंकि यहाँ पे रीजन दिया जा रहा है किसी चीज के लिए. तो जब हम रीजन देंगे किसी चीज के लिए तो हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? फॉर. ठीक है, तो जो फॉर है वो यूज होगा टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एंड. एंड हम कब यूज करेंगे? दो एलिमेंट्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए. अभी दो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? दो वर्ड्स हो सकते हैं, दो फ्रेजेस हो सकते हैं, या फिर दो एंटायर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं. तो इन तीनों चीजों को जब हमें जोड़ना रहेगा तो हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? एंड. एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम एंड श्याम कमिंग टू दी पार्टी. अभी यहाँ पे दो वर्ड्स कौन कौन से हमारे? राम एंड श्याम. नेक्स्ट है हमारा, द फैमिली मूव्ड इनटू द न्यू हाउस एंड द नेबर वेलकम देम वार्मली.
अब इस सेंटेंस में हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है एंड कंजंक्शन यूज करके। नेक्स्ट है हमारा नॉर। अब नॉर हम कब यूज करेंगे? सबसे पहले तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो नॉर है वो हमारा लिमिटेड कंजंक्शंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी इसको लिमिटेड क्यों बोला गया है? क्योंकि जो नॉर है वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट को कोट करने के लिए ही यूज होगा। और कौन से नेगेटिव सेंटेंसेस? वो नेगेटिव आइडियाज जो ऑलरेडी स्टेट हो चुके हैं, उनको एडिशनल नेगेटिव आइडिया देने के लिए हम नॉर का यूज करेंगे। कैसे? चलिए देख लेते हैं। ही डज नॉट लाइक फुटबॉल नॉर डज ही इंजॉय हॉकी। अब इस सेंटेंस में जो सेंटेंस है ही डज नॉट लाइक फुटबॉल, ये सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इस सेंटेंस को हमने क्या एडिशनल नेगेटिव बना दिया, ये भी बोल के कि उसको हॉकी भी पसंद नहीं है। ठीक है, इन द सिमिलर वे आई हैव नेवर सीन अ मूवी नॉट डू आई वॉन्ट टू सी इट। ठीक है, ये जो सेंटेंस है आई हैव नेवर सीन अ मूवी, अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है? नेगेटिव है। इसको एडिशनल नेगेटिव हमने ये बोल के बना दिया कि ना ही मैं उसको देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट कंजंक्शन जो है वो है बट। ठीक है, अभी ये जो बट है वो हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमें कोई भी चीज़ कॉन्ट्रास्ट में बोलनी हो, मतलब फर्स्ट सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट अगर हमें सेकंड सेंटेंस में बोलना हो तो हम बट का यूज करेंगे। और जो बट है हम कौन सी कैटेगरी में इसको देखा था? मोर फ्लेक्सिबल। क्लियर, तो अब इसको सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो शॉपिंग बट आई कांट गो। ठीक है, अब इस सेंटेंस में पहले सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट हो रहा है नेक्स्ट सेंटेंस की, वॉन्ट टू गो बट कांट गो। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा ही वॉज अपसेट बट डिड नॉट क्राई। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? वॉज अपसेट, और सेकेंड में हमने बट लगा के उसको कॉन्ट्रास्ट क्या कर लिया? डिड नॉट क्राई। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और। ठीक है, अब ये जो और है वो भी फ्लेक्सिबल कंजंक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि और हम कब लगाएंगे। तो जब हमें अल्टरनेटिव चॉइस की बात करना हो, ठीक है, जब हमारे पास चॉइसेस हो, अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हो, ये चाहिए या फिर ये चाहिए, तो उस कंडीशन में हम और लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू हैव पिज्जा और बर्गर? तुम क्या लेना चाहोगे, पिज्जा या बर्गर? यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कौन सा कंजंक्शन लगा दिया? और। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्पोर्ट्स डू यू थिंक इज मोर एक्साइटिंग, फुटबॉल और हॉकी? कौन सा स्पोर्ट्स तुम्हारे हिसाब से ज्यादा एक्साइटेड है, फुटबॉल या फिर हॉकी? यहाँ पे भी हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, दो गेम्स अल्टरनेटिव्स हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? और। नेक्स्ट है हमारा येट। अब ये जो येट कंजंक्शन है ये हमारा सिमिलर है लाइक बट। ठीक है, हमने बट कब यूज किया था? प्रेजेंट सिनेरियो को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए हम बट यूज करते थे। इन द सिमिलर वे येट भी हम तभी यूज करेंगे जब हमें कोई भी सेंटेंस का कॉन्ट्रास्ट करना हो, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सरप्राइज रहेगी। ठीक है, जो बात हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, उसी बात का कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा, तब हम येट यूज करेंगे। क्लियर, अब जैसे कि एग्जांपल है, द मूवी वॉज डिप्रेसिंग येट अपलिफ्टिंग एट द सेम टाइम। हाँ, मूवी खराब थी, लेकिन उसी टाइम पे ऐसी चीजें हो रही थी मूवी में जो कि उसको अपलिफ्ट कर रही थी। तो मूवी खराब थी, ये जो
इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी पता है, लेकिन इसमें सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी है? अपलिफ्टिंग। ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन का कॉन्ट्रास्ट हमें करना है जो ऑलरेडी हमें पता हो, और कॉन्ट्रास्ट करने पे कुछ हमें सरप्राइजिंग फैक्टर्स पता पड़े, तब हम येट यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सो। सो हम कब यूज़ करते हैं? वी जनरली यूज़ टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए हम सो यूज करेंगे, जहां पर हमारा सेकेंड क्लॉज रिजल्ट रहेगा फर्स्ट क्लॉज के। क्लियर। इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज एग्जॉस्टेड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। वो थक गया था इसलिए वो सोने जल्दी चला गया। नेक्स्ट है शी वॉज द मोस्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट सो वी गेव हर द जॉब।